परम अवतार श्री कृष्ण। अपने पुत्र की अशिक्षा के दोषी मैं ही हूँ, मेरे ही कारण उसे समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। पुत्र की शिक्षा में अड़चन बनने के अपराध बोध के कारण जल समाधिष्ठ हो जाते हैं सुदामा के माता पिता, और वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ गौरानी के चयन हेतु राधा कृष्ण में होता है विवाद। हे ईश्वर, तेरे दिए हुए इस जीवन को हम उसकी पूर्ण गति तक नहीं पहुंचा सके, इसलिए जल समाधि लेकर हम तुझे तुम्हारा ये जीवन अर्पित करते हैं। पुत्र की शिक्षा में अड़चन बनने के अपराध बोध के कारण जल समाधिष्ठ होते हैं सुदामा के माता पिता, कैसे रोक पाते हैं सुदामा उन्हें, और राधा कृष्ण के हट से रूठी सभी गइयों को कहां और कैसे खोजते हैं अब कान्हा। ये प्रतिमा साक्षात अवतरित हुई है, और सब लोग अपने भगवान का दर्शन करो। कान्हा की प्रतिमा देख मंत्रमुग्ध हुए वृंदावन वासी देते हैं कान्हा को ईश्वरीय स्थान। कान्हा, तुम हमारे रक्षक भी हो और हमारे भगवान भी। संसार में ये पहली बार होगा कि भगवान मंदिर में भी होंगे और घर में भी। दूसरी ओर अपने भगवान की खोज में उनकी प्रतिमा लिए भटक रहे सुदामा का किस प्रकार उद्धार करेंगे गोविंद। मैं परम अवतार श्री कृष्ण हूँ, कोई ग्वाला नहीं। जो जीवन में सत्य का मार्ग अपनाता है उसी का उद्धार होता है, अन्यथा इस मृत्यु लोक में जन जन्मांतर के बंधन से भी मुक्ति नहीं मिलती। कान्हा के परमत्व को चुनौती देने आता है एक और भगवान। देखिए कृष्ण और पौंड्रक के मध्य प्रभुता का संग्राम। ये प्रतिमा मेरी है और इनका भगवान मैं हूँ। इस भूखे को भोजन दीजिए माता जी। भूखे भटकते सुदामा तथा उनके भाई बहन को दीक्षा देने से नकारते हैं गांव वाले। वृंदावन वासियों के समक्ष झूठे आडंबर दर्शा प्रभु बनने का प्रयत्न करता है कंस द्वारा भेजा पौंड्रक। मैं भगवान जो तुम्हारी रक्षा के लिए इस ब्रिज मंडल की धरती पर अवतरित हुआ है। जिसे देख कान्हा होते हैं क्रोधित। भगवान हो तो बोलो, तुम वृंदावन वासियों के लिए क्या कर सकते हो? मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इनकी जो आवश्यकता है मैं वो सब पूर्ण कर सकता हूँ। वृंदावन वासियों का भगवान बना बहुरूपिया पौंड्रक सभी को धर्म कर्म के मार्ग से भटकाता है, जिससे कान्हा भी गांव वालों को समझाने में होते हैं असफल। सुदामा के शिक्षित ब्राह्मण के पथ में रुकावट बन मिलता है एक दानव। जैसे मान ले कि तुम हमारे रक्षक हो, इससे पहले भी कई सारे असुरों ने हमारे साथ ऐसा विश्वासघात किया। वृंदावन में नंद यशोदा तथा सभी को अपना चमत्कारी आडंबर दर्शा मंत्रमुग्ध करता है बहुरूपिया पौंड्रक। ब्रजवासियों, भगवान पौंड्रक ही श्री विष्णु के परम अवतार हैं। दानव का ग्रास बने सुदामा की रक्षा करने प्रकट होते हैं श्री कृष्ण। मैं कहता हूँ कि यदि सुखी रहना चाहते हो तो अपने जीवन से कर्म को त्याग दो। वृंदावन वासियों को अपनी लीलाओं से भ्रमित कर पौंड्रक देता है कान्हा के अस्तित्व को चुनौती। दूसरी ओर सुदामा करता है कान्हा से अंतिम प्रार्थना। हे गोविंद, लोगों की रक्षा करो, मुक्ति दिलाओ लोगों को इस दानव के आतंक से। अब कैसे करेंगे कान्हा अपने इन भक्तों का उद्धार। हे गोविंद, लोगों की रक्षा करो, मुक्ति दिलाओ लोगों को इस दानव के आतंक से। मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे दिया हुआ जीवन तो तुम्हारा है, तुम पर ही विलीन हो जाऊंगा, किंतु मेरे बाद भी ये दानव सबको कष्ट देता रहेगा। लोगों की रक्षा करो। इस निर्बल को खाकर सच में मेरी भूख शांत नहीं होगी, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। हे गोविंद, ये संपूर्ण सृष्टि तुम्हारी है, इस संसार के लोगों के तुम रक्षक हो, लोगों की रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। रक्षा करो हे ब्रज के स्वामी, बना है संकट ये खनगामी, करो दूरी सखा मेरे नारायण, मन हर क्षण जपता जा। जय हरि, हरि जय नारायण।
हाथी, अब मेरे भोजन का समय हो गया है। पहले मुझे मेरे गोविंद का भजन पूरा करने दो। शेष भजन मेरे उधर में पूरी कर लेना। जब तक मेरे गोविंद का भजन पूरा नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा गोविंद भक्त, पहले तुझे चलाऊंगा और पेट तुझे खाऊंगा। द्वारा भेजा गया बहुरूपिया पौंड्रिक के माया जाल में फंसता है समस्त ब्रिजमंडल। भक्तों, आज से तुम लोग कर्म की नहीं केवल फल की कामना करोगे और तुम्हारे भगवान पौंड्रिक मनोवांछित फल देंगे। माता यशोदा का कान्हा के लिए निस्वार्थ प्रेम भी चढ़ता है बहुरूपिया पौंड्रिक के जाल में। अगर आपको आपका पुराना हिसाब किताब चुकता करना है तो जल्दी से आ जाए। तू यहाँ छुपा बैठा है? मेरा मतलब इस चिड़िया के साथ पति बनकर इतने बड़े हवेली में आइस कर रहा है ना? ये हमारा माल है, ये बैजू इसे हमने कोठे में बेच के गया था। ना, इंतजार नहीं कर सकते, इस सजा हम खुद को देंगे अभी। एक काम ही ना और 100 कामों पर भारी है। मुझे बताइए काम क्या है। हम राजी रण कर लीजिए। हमें 50 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, तो इसके लिए हमने एक प्लान बनाया है कि हम अंगूरी के किडनैप का ड्रामा करें। अगर हमारे लिए ना सही तो अपनी बहना अंगूरी के लिए ही कर लीजिए। प्लीज प्रभुति जी। चलो बेटे, चुपचाप बैठ जा और शादी कर। चलो माई। ए, आखिरी बार कह रहा हूं रुक जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जब वो फूलों की डिजाइन वाली साड़ी पहनती थी तो क्या गजब लगती थी। अने फूलों वाली साड़ी पर सरला के काले लंबे बाल, उसकी आंखों का काला काजल आज भी याद है मुझे। किसे देखकर सीटी बजा रहा था? मैडम आपके पीछे तो देखो। हमारे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है। मेरी विशेष और अनन्या दी की फैमिली थी, अगर किसी ने लॉकेट पहना हो तो मेरा ध्यान जरूर जाता। कैसे पता करूं मैं? अगर आपको डिजाइन पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरी डिजाइन बनवा लीजिए। हमारा खानदानी लॉकेट दोबारा से बनवाना था, मैं तस्वीर साथ में लाई। जरा एल्बम दीजिए। अब इस सिलेंडर के साथ साथ भी जलकर राख हो जाएगी।